नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कन्हैया फाटा पर हुई तोड़क कार्रवाई की हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। लगातार कन्हैया तोड़क कार्रवाई को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नए नए तथ्य सामने ला रहे हैं। आज भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपको कुछ तथ्य वहां के हमने दिखाए। हमने उस वीडियो में बताया है कि कुछ ऐसे सबूत हमारे पास है, उसका खुलासा मैं आगे करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में वो बात नहीं करना चाहूंगा। यह वीडियो कन्हैया तोड़क कार्यवाही से जुड़ा हुआ एक नया मामला जो आज प्रकाश में अभी शाम को आया। दरअसल इंटरनेट सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल काफी हो रहा है, उस ऑडियो की मैं चर्चा यहां करने आया हूं। पहले आप ऑडियो सुन लीजिए, ढाई मिनट के करीब का ये ऑडियो है। ये ऑडियो आप सुनिए पहले, उसके बाद मैं अपनी बात करना चाहूंगा। भाई, 3 मिस कॉल आ गया यार, मैं सोया था अमित भाई। अरे, आपका इंतजार में करते रहा जो थोड़ा सा नहीं, मैं हम नहीं, आपको एक एक खबर देते हैं। हेलो। हाँ, मैं आया और सो गया था भाई। हेलो। हाँ, क्या हुआ? वही कहा बोलता है पैसा 15 लाख रुपया वो दिया है, वो अपने उधर से ये बाजू कराया काम, कौन मालूम है? ओ, विक्रम पाटिल। अच्छा। हाँ, वो किसको दिया है 15 लाख? तहसील में मैडम को। अच्छा। हाँ, और ये लोग भी, हाँ ये लोग भी वांडोली करके दिए पैसा लोग। कौन लोग? अरे दूसरे, सतीश दुबे वगैरह जो है ना। हाँ, जहाँ इधर करवाई हुआ, अरे करवाई होने वाला था ऊपर, वो 7 एकड़। हाँ, 7 एकड़ सरकारी जगह है। हाँ, जिसमें वो बंगला बनाया है। हाँ, और अचाली बनाया है, विक्रम पाटिल बेचा है, और डीएल वगैरह जो है, डीएल यादव और लोग बिल्डर लोग बनाया है उधर। तो ये लोग अपना, हाँ इधर टूटने वाला था तो उधर तोड़वा दिए साले। अच्छा। अच्छा। हाँ, मैडम को पैसा देके आया था। कितना? तो 15 लाख। अच्छा। समझे। हाँ हाँ हाँ, तो इधर तो कार्रवाई हुआ। अच्छा। टूटने वाला था ऊपर साइड में। अच्छा। जैसे जाएंगे ना, मैं अपना बिरार फाटे से मनोहर की तरफ जाएंगे तो नहीं, लेफ्ट साइड एक रास्ता गया अंदर। हाँ हाँ हाँ, उधर। हाँ 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 हाँ, उधर टूटने वाला था ये, तो टूटने गए दो दिन पहले जाके मिल के आया, 15 लाख रुपया दिया तो करवाई इधर की। अच्छा, तहसीलदार को दिया 15 लाख। हाँ। अच्छा। और ये लोग भी, हाँ ये लोग भी, इनका सतीश वगैरह लोग एक ही है। हाँ, ये जो करवाई हुआ है ना इधर। हाँ, ये लोग कितना दिया? हाँ, ये लोग भी पैसा दिए है, लेकिन अभी ये नहीं क्लियर हो रहा कितना, लेकिन पैसा दबा के दिए है लोग काम अभी रुकने के लिए। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, 5 मिनट में कर रहा हूँ कॉल। मैं कुछ कहूँ उसके पहले एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इस ऑडियो के सत्यता की पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता है। हम सिर्फ, हमारे इस ऑडियो को चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की आंख खोलना है, और इस ऑडियो को चलाकर हम यही मांग करना चाहेंगे प्रशासन से कि इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, और अगर ऑडियो सत्य है तो जो प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, और अगर ये ऑडियो झूठ है तो जिन लोगों ने इस ऑडियो को वायरल किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपने ऑडियो सुना, ऑडियो में किस तरह के दावे हो रहे हैं, ऑडियो में यह कहा जा रहा है कि कार्यवाही कहीं और होनी थी, वो कार्यवाही को यहां मोड़ने के लिए 15 लाख रुपए दे गए। तो जैसा कि मैंने आगे की वीडियो में एक सवाल पूछा था, सवाल यह पूछा था मैंने कि क्या यह साजिश है, तो इस ऑडियो के बाद में कहीं ना कहीं मेरे उस सवाल को एक बार फिर बल मिल गया। मेरा सवाल फिर वही कि जो बिल्डर जो चाल माफिया है वो कहां गायब हो गए, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, वो क्यों इन लोगों को, गरीबों को आगे कर रहे हैं, जो गरीब
जिनका नुकसान हुआ है, जिनका टूटा है, और इनको आगे कर कर इनसे अपराध करवा रहे हैं, सरकारी लोगों के ऊपर हमला करवा रहे हैं। ये पीछे से सब मास्टरमाइंड गेम कौन खेल रहा है? क्या ये सोची समझी साजिश है? पहले दिन की कार्यवाही में लोग भड़के नहीं और लोगों ने कार्यवाही में सहयोग किया, लेकिन अचानक दूसरे दिन क्यों लोग पत्थरबाजी करने लगे? वो पत्थरबाज कौन थे? पुलिस को खुलासा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले में काफी संदेह है और पूरा का पूरा यह मामला उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इस मामले पर कलेक्टर महोदय को, बल्कि विभागीय आयुक्त महोदय को एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच उठानी चाहिए। एक बार फिर से बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो सुनाया गया, उस ऑडियो से चैनल का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना ही चैनल उस ऑडियो के सत्यता की पुष्टि करता है। लेकिन चैनल अपनी तरफ से यह मांग करता है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786